रामपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पर्यवेक्षिका श्रुति चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई व बेरोजगारी के कारण लोगों का सरकार से मोह भंग हो गया है। उन्होंने कहा कि लोग अब कांग्रेस को आगे लाना चाहते हैं। मंडी लोकसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को लोग भारी मतों से जीत दिलाएंगे। हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल की पोती और पूर्व लोकसभा सांसद श्रुति चौधरी ने बताया कि लोगों का कांग्रेस के प्रति सकारात्मक रुझान है। खासकर रामपुर में पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का गृह क्षेत्र होने के कारण उनके किए गए विकास व व्यक्तित्व के आधार पर लोग उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह को वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल जुमलेबाजी तक ही सीमित है। रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति बनी है उससे लोग खफा हैं और सड़कों की दशा ठीक नहीं है। इसमें कोई संदेह ही नहीं है, वहाँ तक मैं ये लीडरशिप तक ये बात पहुँच जाऊँगी। और ये ही मैं लोगों को प्रार्थना भी करती हूँ कि अपना ज़रूर वोट, अपना कीमती वोट डालें, क्योंकि वोट ना डालने से उन्हीं का नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज़रूर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जाएगा। वो अपने लोग हैं और न्याय उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ जो भाजपा के लिए कौन सा प्रमुख मुद्दा है कि जो नाकामी रही है यहाँ के? हर तरीके से भाजपा तो विफल केवल जुमले की सरकार है जैसे सब बोलते हैं, और वही नज़र आता है यहाँ पे भी। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, ऊपर से कोई यहाँ पे सारे सड़कें वगैरह टूटी हुई हैं, कोई यहाँ पे लोकल लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। जो भी दिखता है वो कांग्रेस का के टाइम का काम है, राजा वीरभद्र सिंह जी का टाइम का काम है, तो बीजेपी का इस जगह पे कोई योगदान नहीं। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।